ये जिला है प्रयागराज। लखनऊ से 200 किलोमीटर दूर ये गढ़ कभी साहित्य के साथ ISOPCS की भूमि भी रही, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब यहाँ अतीक अहमद का नाम दर्ज हो गया। अतीक अहमद प्रयागराज का इतना बड़ा माफिया बना कि शहर की हवा तय करने लगा। फिर एक दिन प्रयागराज से 200 किलोमीटर दूर एक भगवाधारी मुख्यमंत्री बना और फिर ताश के पत्तों की तरह अतीक अहमद का ख्वाब बिखरने लगा। योगी आदित्यनाथ आज जिस जमीन पर खड़े हैं, दरअसल वो जमीन कभी अतीक अहमद की हुआ करती थी। सरकार ने छीन कर गरीबों को सौंपने का इंतजाम कर डाला। मंत्रोच्चारण के साथ अतीक नाम का डर हमेशा के लिए यूपी से खत्म हो गया। कभी 17 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले अतीक अहमद का कोई विकल्प नहीं था। मिर्जापुर के उस पार मुख्तार अंसारी का कहर और मिर्जापुर के पश्चिम यानी भदोही से आगे प्रयागराज और आसपास के जिलों में अतीक अहमद का नाम चलने लगा। अतीक की तूती प्रयागराज से कानपुर तक बोलने लगी। लखनऊ में कई लोग बड़े सम्मान से अतीक का नाम बड़े अदब से लेने लगे, लेकिन योगी के आने के बाद कहानी बदल गई। योगी आदित्यनाथ ने पहले सख्ती की, फिर ये जमीन पर बने घरों पर बुलडोजर चला और फिर इसी जमीन पे पूजा के साथ ही ये गरीबों को सौंप दिए जाएंगे और यहाँ 76 घर गरीबों के बनेंगे। मायावती ने खूब जोर कसा, लेकिन अतीक का डर खत्म नहीं हुआ। मायावती की सत्ता चली गई और फिर अतीक ने वापसी कर ली। फिर अखिलेश के राज में उसकी तूती बोलती रही और वो डॉन बन गया, लेकिन योगी की सरकार में अतीक अहमद की जड़ उखड़ गई। कहते हैं अतीक अहमद के कद का अंदाजा आप इसी से लगाइए कि मायावती ने कुछ ही दिनों में 100 से ज्यादा FIR लिखवा डाले थे, लेकिन अतीक का कुछ नहीं हुआ। देखते ही देखते हजारों करोड़ का मालिक बन गया। कई आलिशान घर, कई आलिशान कमर्शियल प्रॉपर्टी, कई होटल्स और कई वो ठिकाने जहां पुलिस क्या अतीक के इजाजत के बिना परिंदे भी पर नहीं मारा करते थे। योगी के आने के बाद कहानी में कुछ ट्विस्ट आया। BJP में अतीक ने खूब सेटिंग करने की कोशिश की। योगी तक बात पहुंचाने के लिए उसने दाएं बाएं लाखों रुपए खर्च तक कर डाले, लेकिन योगी ने सिर्फ हुक्म का डंडा उठाया और वो गिरा माफियाओं की दहशतगर्दी पर। उसी में एक अतीक का नाम भी है। प्रयागराज का लूकरगंज का हिस्सा भीड़ भाड़ वाला हिस्सा है, लेकिन यहाँ सिक्का मुख्तार उछालता तो भीड़ हट जाती, फिर वही तय करता कि सिक्के वाली जमीन किसकी है। लेकिन सोचिए, आप ऐसे उत्तर प्रदेश में थे जहाँ ऐसी फिल्में नहीं बल्कि ऐसी हकीकत की कई कहानियां मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ शांत थे, बाकी मुख्यमंत्रियों की तरह योगी भी कुछ ज्यादा नहीं कर रहे थे। अचानक एक रात सूबे में बहुत शोर हुआ। जगह थी कानपुर, कानपुर का बिकरू गांव, विकास दुबे का गांव। वहां गोली चली, 8 पुलिस वाले मारे गए। इस घटना ने योगी को अंदर तक हिला डाला और उसी वक्त योगी ने ये ठाना, ये माफिया ऐसे नहीं सुधरेंगे। योगी का बुलडोजर तैयार हुआ। विकास दुबे के घर पर चलने के बाद मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे 25 माफियाओं पर चला, लेकिन अतीक के साथ योगी का रिश्ता कुछ खास है। पहले 1500 करोड़ की कुर्की हुई, इमारत टूटी तो अतीक का डर भी कम हुआ। जमीन पे सरकार का बोर्ड लगा तो अतीक अहमद की कंगाली का दौर भी शुरू हुआ। लूकरगंज में बच्चा रोता तो अतीक आ जाएगा कहने वाले अब योगी योगी कहने लगे। पिछले 2 सालों में कहानी बस इतनी है कि करोड़ों में खेलने वाले भिखारी हो गए। बड़ी मूछ रखने वाला अतीक अहमद जानता है अब इज्जत की रोटी भी नहीं मिलेगी। फ्लैट्स में रहने का सपना सिर्फ अमीरों का नहीं होगा बल्कि गरीबों का भी होगा। ये मौका तभी मिलेगा जब अतीक जैसे लोग उत्तर प्रदेश में नहीं होंगे। अतीक अहमद का डर नहीं होगा। अतीक अहमद असल में खुद को डॉन बुलवाना पसंद करता था। मुलायम सिंह यादव के संरक्षण में वो किसी DMSP को कुछ नहीं समझता था। एक जमाना था जब प्रयागराज में DM कार्यालय या बाकी सरकारी कार्यालय में वो जाता तो सीना चौड़ा करके घुस जाता। ना वो अपॉइंटमेंट लेता और ना ही किसी से मिलने का वक्त लेता, बल्कि वो खुद तय करता कि वो कब मिलेगा। फिर एक दिन उम्मीद की किरण जगी। अतीक के लिए अखिलेश यादव ने सपा के दरवाजे बंद कर दिए। योगी आदित्यनाथ की सत्ता आई और योगी ने दरवाजा क्या, पूरा घर ही उखाड़ लिया। अतीक एक तांगे वाले का बेटा है। एक तांगे वाले से यहाँ तक पहुँचने की कहानी बेहद दिलचस्प है। उस कहानी को फिर कभी सुनाएंगे। फिलहाल आप बताएं, योगी ने अतीक के साथ ठीक किया या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत TV।